है जू जो आर अकबर ते एक जे ओ एन जी सी जो सुपर थर्टी इंस्टीट्यूट नंद नगर आ गए तो ईद उगर जो छात्रों आगन ताराजियोद तारा ईद उलिकार हदाबाद फारजा गुरी बताजे सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा आपका नाम क्या है? मेरा नाम दैनिशन सिंगलाई आप कहा है मणिपुर से आए हूँ से तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स जो रहते हैं रेसिडेंशियल वो आप लोगों को टीचिंग या फिर कैसा एक्सपीरियंस रहा है Uh, मुझे यहाँ में रहने में uh, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इधर में हम लोग uh, दोस्त लोग के uh, दोस्त लोग के बीच में भी uh, ऐसे डिस्कशंस कर सकता है और इधर में जो भी टीचर मिल रहा है हम लोग को फैकल्टी मिल रहा है बहुत अच्छा है उन लोग uh, उस uh, उन लोग का टीचिंग uh, uh, टीचिंग स्टाइल भी बहुत अच्छा है और एजुकेशन लेवल भी हाई है तो आप आ, कितने महीने हो गए आपका यहाँ पर आके आपका और अभी आपका जो आईआईटी का जो जी का मेन होगा एडवांस एग्ज़ाम होगा तो उसके प्रिपरेशन आपका कैसा चल रहा है फ़र्स्ट जिमेन तो दे दिया है अभी सेकेंड जिमेन में अच्छा देने के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ और मोस्ट ऑफ द टाइम फर्स्ट जिम हम लोग फर्स्ट दिया था फर्स्ट uh, जिमेन के लिए उसमें तो थोड़ा तो मेरे मेरे हिसाब से तो मेरे लिए तो थोड़ा सिलेबस uh, तो आ, बस रहा था तो वो सेकेंड जिमैन तो अभी तो थोड़ा कम्प्लीट हुआ चुका है अभी सेकेंड जिमेन में तो अच्छा करेगा सोच रहे तो आपको ये सुपर थर्टी के बारे में आपको कैसे पता चला कि अगरतला पे भी है एक सुपर थर्टी जो इंस्टीट्यूट है वो आपको कैसे पता चल गया आ, ये आ, मेरे लिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एक बहुत अच्छा है आ, क्यों, क्योंकि मैं वो अगरतला में फर्स्ट टाइम मैं सुनना है कि आफ्टर गिविंग माई ट्फ एग्ज़ाम मेरा uh, एक वाट्स uh, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है जे एन वी का हम लोग का क्लास टा उसमें uh, ये मैसेज सर्कुलेशन्स किया है कि uh, इधर में फर्स्ट uh, में मेरे को शिव सरगर के लिए इन्फॉर्मेश्स आया था hmm. तो आई शिव uh, सरगर के लिए इंफॉर्मेशंस आया तो ये मैसेज सर्कुलेट किया आफ्टर डेट एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम देने के बाद uh, आ, कुछ ऐसे मेरा मार्क के हिसाब से और इंटरव्यू के हिसाब से इधर में अगर में मिला है मुझे तो बेसिकली आप नवोदय स्कूल से है क्या हाँ मैं जे एन बी वन से ओके ओके थैंक यू तो अर जो ना कहता मुझे मैं तल लोदाबाद फार जर गुड जेम तो सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा मेरा नाम राहुल दे है राहुल दे तो आप कहाँ से है मैं कुमारघाट से हूँ कुमारघाट से हाँ तो आपको ये इंस्टीट्यूट के बारे में कैसे पता चला और आपको कैसे एडमिशन होने को मिला यहाँ पर ठीक है मेरा जब ट्वेल्थ बोर्ड कम्पलीट हुआ था तब हमारे जे से मतलब सर्कुलेट हुआ था ये मैसेज की जो आपका प्रिपरेशन कैसे चल रहा है अभी अभी मेरा प्रिपरेशन तो अच्छा ही चल रहा है फर्स्ट मैच में अच्छा खासा स्कोर किया चाहूँगा कि सेकंड मैच में और भी अच्छा कर पाऊँ वैसे अभी अभी तो सेकंड मैच आ रहा है तो अब हम मेंस के लिए पढ़ रहे हैं उसके बाद फिर से एडवांस के लिए पढ़ेंगे तो जिन भी तो ऐसे में तो रेजिडेंशियल स्कूल है तो यहाँ पर भी आपको फिर से रेजिडेंशियल में टीचर के साथ रहने को मौका मिला तो आपको अभी टीचर्स के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा है तो सर ने बोले कि टीचर्स तो झारखंड से दिल्ली से है तो उन लोग का टीचिंग स्टाइल कैसा है और आ, उन लोगों का जो टीचिंग जो हो रहा है तो उसमें आपका प्रिपरेशन कितना कितना तक चला गया देखिए यहाँ जो टीचर मिले मैं तो कहूँगा हमारे लिए यहाँ बेस्ट टीचर मिला है क्योंकि टीचर्स आईआईटी से आईआईटी एनआईटी पास आउट है तो हाँ मतलब जितना पॉसिबल हो सके उतना उनमें से मुझे हमें हाँ बेस्ट टीचर मिला है तो हम हाँ, अगर मतलब खुद का पैसे से चाहे तो इतना बेस्ट फैकल्टी इतना बेस्ट रिसोर्स हम हाँ ले नहीं सकते तो थैंक्स टू ओ इसके लिए मेरा प्रिपरेशन भी अच्छा हुआ फास्ट मैच अच्छा हुआ आशा करता हूँ कि एडवांस भी मेरा अच्छा जाए तो आपने जैसे कि बोले टू ट्वेंटी ट्वेंटी में आप पास आउट है तो इसका मतलब आप एक साल ऑलरेडी ड्रॉप दे चुके हैं ना तो अभी एक ड्रॉप देने के बाद आप आपका जो अगर इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपका आप नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा देखिए और आपका कॉन्फिडेंस कितना कितना तक है कि आप आईआईटी क्रैक कर पाएंगे देखिए ड्रॉप जो लिया रिक्स लिया है, आप तो कुछ भी हो करना पड़ेगा लेकिन हाँ जितना तक तो मैं मेहनत कर रहा हूँ मुझे कॉन्फिडेंस है कि मिल जाएगा मतलब ऐसा नहीं होगा कि मैं मेहनत नहीं किया नहीं मिला इसलिए नहीं मिला मैं मेहनत किया दूसरा भी रीज़न हो सकता है कि मेरा मेडिकल रीज़न वो सब हो सकता है कि इस ये रीज़न हो सकता है मुझे नहीं मिला लेकिन मैंने मेहनत किया ये कभी नहीं किया ये कभी रीज़न नहीं हो सकता मेरा ना मिलने का कारण को हमें थर्टी इंस्टीट्यूट जीवन आ गए सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे आप मेरा नाम निहानवाल है तो आप कहाँ से मैं आसाम से हूँ आसाम डिब्रूगढ़ तो आपको अगरतला सुपर थर्टी के बारे में कैसे पता चला या फिर आपको कैसे एडमिशन यहाँ पर होने को मौका मिला आ, हमारे आसाम में भी बहुत सारे सुपर थर्टीज़ हैं उनके ज़रिए से मुझे पता चला तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा है आपका यहाँ पर जो टीचर्स या फिर फैकल्टी लोगों का जो आप लोगों को टीचिंग कर रहे हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है आ, सब लोग बहुत अच्छे हैं बहुत हेल्प किया है मैं बहुत अपग्रेड हुई यहाँ पर आके तो कितना कॉन्फिडेंस है कि आईआईटी क्रैक करने का थैंक यू तो छात्रों आ गया, आ गया मुझे था ये अभियोगे सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे मेरा नाम देवाद्रीता दे आप का, का के रहने वाले मैं मोचमुनी अगरतला की अगरतला तुन तो आ, आपको आपको भी कैसे पता चला ये इंस्टीट्यूट के बारे में एक्चुअली मुझे पहले इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता था लेकिन हमारे स्कूल में वो लोग गए थे शायद तो वहाँ से कॉल किया मुझे तो तब पता चला तब थोड़ा रिसर्च किया के बारे में फिर पता चला तो आपका स्कूलिंग के बारे में हम जानना चाहेंगे तो आपका स्कूलिंग कहाँ से किए हैं आप मैं पहले जवाहर नवोदय में थी फिर मैंने अपना एलेवन ट्वेल्व हिंदी हायर सेकेंडरी स्कूल से किया है तो कौन सा जैन विषय है आप मैं खुआ रामचंद्र घट तो यहाँ पर तो सब दिखाई दे रहे कि सभी नवोदय के छात्र हैं तो आपका आप, आपका भी कॉन्फिडेंस कैसा कितना है आप आई आई टी क्रैक करने का हाँ हो जाएगा हो जाएगा তে চিধৰুই সদায় ভাৰজয় কৰি দিলা তে তুমিতো দেখিলা যে তাৰ সৰ্তমান কনফিডেঞ্চ আগে ইডৰ যিকোনো মাত্ৰৰ আগৰ তাৰ অভাৰঅল তাৰা যে তাৰা যে ফিডবেক কাৰণ নি তাৰ এজন চেনবিলাক গম তে তুমি যিটো চিকিবা নিশ্চয় তুমি হামাক কাই ইদো এই ফাৰি বা এই নন্দন নগৰ আদা আদামত ইয়ান হ'লে চৰকাৰ ভাড়া চৰকাৰ ভাড়াত ফৰে তে তুমি আমি নাম্বাৰবোৰ এই ইনষ্টিটিউটৰ নাম্বাৰবোৰ তোমাৰ দি দিব ইয়ান শুনোৱে মহদান ইয়ুম গৰঙৰ যুঁজো